बंद। नगर निकाय चुनाव रद्द होने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड पर या यूं कहें नीतीश कुमार पर और महागठबंधन पर हमलावर है, और इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के जो तमाम नेता है वो इस धरना प्रदर्शन में मौजूद है, चाहे बिहार सरकार के नेता प्रतिपक्ष हो विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष है, ये बताइए कि देश में एक प्रतिष्ठित दलित नेता को राष्ट्रपति किसने बनाया, तमाम विधायक है वो धरना प्रदर्शन में शामिल है, जिसमें अभी एक आज नीतीश सरकार उनके खिलाफ बहुत प्रतिष्ठित नेता को राष्ट्रपति किसने बनाया, वो धरना प्रदर्शन आवाज बुलंद करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हम बात करने की कोशिश करेंगे तमाम जो भाजपा के नेता हैं उनसे हम भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या कुछ आगे। अति पिछड़ा समाज का जो आरक्षण बिहार में नहीं मिल पा रहा है नगर निकाय के चुनाव में, हम लोगों ने कहा है कि आरक्षण बचाओ और शीघ्र चुनाव कराओ, यही एक सिंगल डिमांड है कि आप शीघ्र चुनाव कराओ, आपको जहां जाना है जहां, लेकिन आप सीधा चुनाव पिछड़ा समाज को देकर चुनाव कराइए। यहां पे उपस्थित जब से चुनाव रद्द हुआ है तब से आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, हमारे स्वाभाविक है, हम जनता के कल्याण करना चाहते हैं और अति पिछड़े समाज का सम्मान बरकरार रहे इसका प्रयास कर। आदरणीय रविशंकर भैया से आग्रह करूंगा, ये टॉपिक है आरक्षण, आरक्षण देश को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, क्योंकि मुझे मोदी के कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, आज वो सारे किसानों को देने वाले हैं बटन दबा करके, इसीलिए सांसद के रूप में मुझे उस कार्यक्रम आज आवाज के साथ आगाज देने का काम कर रहे हैं, अनुमति लेके मैं क्योंकि वर्तमान नीतीश सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है, अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने का काम कब हुआ, भारतीय जनता पार्टी सरकार में सम्मिलित थी जब ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से आदरणीय उच्च न्यायालय ने जब कह दिया इसमें संशय कहां, उसके आधार पर मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, जब वहां चुनाव हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हुआ, कहीं न कहीं सरकार नहीं कराना चाहती है क्योंकि उनकी दोस्ती वैसे पार्टी से हो गई है जो 20 वर्षों तक निकाय का चुनाव नहीं होने दिया, तो आज बड़ा प्रश्न ये है कि जो 20 वर्षों तक चुनाव नहीं होने दिया उस पार्टी के साथ जब दोस्ती हो गई तो परिणाम ये हुआ, आज जो आरक्षण देना चाहता था जब तक उनके साथ थे तब आरक्षण हम लोग देने का काम किया, आरक्षण विरोधी कौन है ये जनता भी तय कर सकती है, आप भी तय कर सकते हैं, तो आरक्षण को बचाना भी है चुनाव करवाना भी है। आप लोग जिनके खिलाफ है वो आप लोगों के खिलाफ आवाज लगा रहे हैं कि आप लोग आरक्षण विरोधी है, सद्भावना बचाओ देश बचाओ, जब उनका कोई तर्क नहीं है तो तर्क को वितर्क किया जा सकता है, हम तो कह सकते हैं कि ऐसे पार्टी से उन्होंने दोस्ती की जो 20 वर्षों तक निकाय का चुनाव नहीं होने दिया, आज बड़ा प्रश्न जब हमने आया तो निकाय चुनाव करवाया आरक्षण देने का काम किया, बड़ा प्रश्न यह है। पोल खोल अभियान भी चला रही है आप लोगों के खिलाफ, पोल तो उनकी खुल रही है कि पोल भी खुल रही है, खोल भी खुल रही है कि आज कौन आरक्षण लेने का काम कर रहे हैं कौन नहीं देना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब अब जनता देख रही है सुन रही है। याद करिए तो ये आज सबसे बड़ी संख्या में इतिहास में सम्राट सबसे अधिक केंद्रीय मंत्री चौरसिया, उन लोगों से हमने बातचीत की है, और कहा है कि जदयू जो है आरक्षण विरोधी है, और सबसे पहले आरक्षण जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने उस आरक्षण को खत्म कर दिया, अति पिछड़ा नीतीश सरकार, और साथ ही साथ जो जदयू जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा खोल रही है इसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो पोल खोल अभियान चल रहा है जदयू का उसमें पोल उन्हीं की खुल रही है, हम लोग आरक्षण परिवार जा रहे हैं देश बचा रहे हैं, अति पिछड़ा में लगे हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार जो है वो अति पिछड़ा समाज को नीचे गिराने में लगे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है न्यूज के साथ और देखते रहता है न्यूज। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।